असलकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आप लोगों को न्यू आने वाली अप टू डेट मिलती रहें। नाउ वी स्टार्ट मैथ्स ऑफ 3 लेक्चर नंबर 5। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द मेथड ऑफ आइट्रेशन एंड सॉल्व सम एग्जाम्पल ऑफ द मेथड ऑफ आइट्रेशन। First we see the method of iteration. Method of iteration can be applied to find a real root of the equation. जो हम method of iteration है वो हम real root पे equation के find करते हैं। सबसे पहले हम function को zero के equal रखते हैं by rewrite the same in the form, और फिर इस जो हमारा function होता है इसे rewrite करते हैं और इसमें से x की value find करते हैं जो हमारे phi of x के equal होती है। फिर हम नेक्स्ट क्या करते हैं, हम x को इक्वल रख लेते हैं x नोट के इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन को यूज़ करते हुए। इस तरह से हम इसके रूट फाइंड करते हैं। अगर x 1 है तो ये हमारे पास phi ऑफ x नोट होगा, x 2 है तो phi ऑफ x 1 होगा, x 3 है तो phi ऑफ x 2, सो ऑन xn तक, जहाँ तक हमने इसके रूट फाइंड करने होते हैं। तो हम इस तरह से इसके रूट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है, इफ अल्फा बी द रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी जो अल्फा है वो एफ ऑफ एक्स का रूट है, और एफ ऑफ एक्स को सबसे पहले हम जीरो के इक्वल रखते हैं और फिर उसे रीराइट करके वहां से एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसे हम फाई ऑफ एक्स के इक्वल रखते हैं। इट कैन बी इंटरवल कॉन्टेनिंग द पॉइंट, इसके अंदर जो इंटरवल कॉन्टेन करता है, यानी हम जो हमारे पास जो एक्स होते हैं हम उसे अल्फा के इक्वल रख लेते हैं, और अगर हम इस फाई का डेरिवेटिव लें और उसका मोड लें वो लेस देन हो 1 से फॉर ऑल, क्योंकि एक्स बिलोंग कर रहा है आई से। देन द सिक्वेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेशन, दो हमारे पास जो सिक्वेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेशन एक्स वन एक्स टू सो ऑन एक्स एन तक है, वो कन्वर्ज होगी रूट अल्फा तक। अब नेक्स्ट हम इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। हमारे पास है फर्स्ट एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब सबसे पहले हमने इसे जीरो के इक्वल रखा, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इट कैन बी री रिटन एज, यानी हमने यहाँ से इसकी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए कोस ऑफ एक्स इस साइड पर रहा प्लस थ्री, ये टू इस साइड पर जाके हो जाएगा माइनस का टू ऑफ एक्स, हमें जस्ट एक्स चाहिए इसलिए हमने टू से इधर भी डिवाइड कर दिया और इधर भी, तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई जिसे हम फाई ऑफ एक्स का नाम दिया था। और जो फाई ऑफ एक्स है वो हमारे पास इक्वल है वन बाय टू कोस ऑफ एक्स प्लस थ्री के। अब सबसे पहले हमने ये इक्वेशन यहाँ पे राइट की, अब यहाँ पे हम इनिशियल गैस का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमने इस इक्वेशन में वन एंड टू लिए, ये हमने खुद से लिखे हैं। अब हमने सबसे पहले इस इक्वेशन में वन पुट किया, कोस ऑफ वन माइनस टू ऑफ वन प्लस थ्री, यानी फिर हमने इसे सॉल्व किया, इसका जो आंसर आ जाता है 1.40 इस तरह से, और ये जो इसका आंसर होगा वो ग्रेटर देन होगा जीरो से। अब सेकंड हमने क्या किया, सेकंड में हमने टू पुट किया, जहाँ पे हमारे पास एक्स था तो वहाँ पे हमने टू पुट कर देना है। यहाँ पे इन्होंने बाय मिस्टेक वन राइट किया हुआ, यहाँ पे भी टू आएगा और इसे सॉल्व करना है, तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, यानी एक हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है और एक जो वैल्यू है वो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है। सो रूट बिटवीन वन एंड टू, यानी हमारे जो वन एंड टू के रूट आए हैं वो इसके दरमियान लाई करते हैं। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, हमारे पास जो फंक्शन था फाई ऑफ एक्स उसका ले लिया हमने डेरिवेटिव, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स प्लस थ्री का लेंगे वो जीरो हो जाएगा, वन ओवर टू एज इट इज, कोस का डेरिवेटिव था माइनस का साइन एक्स, माइनस बाहर आ गया। अब देखिए हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया, अगर हम इसके डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करें, अब इसके साथ नेगेटिव साइन है तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो भी नेगेटिव आएगी और वो लेस देन होगी वन से। सो द मेथड ऑफ आइट्रेशन कैन बी अप्लाई, तो हम इसके ऊपर मेथड ऑफ आइट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, और इसके रूट कहाँ से ले करते हैं, वन से टू के दरमियान, तो जो हम एक्स नोड लेंगे वो हम सपोज कर लेंगे कि एक्स नोड हमारा 1.5 है। अब यहाँ पे हमने फ़र्ज़ कर लिया कि ये हमारे पास 1.5 है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे फाई ऑफ एक्स हमारे इक्वल था एक्स वन के, यहाँ पे हमारे पास एक्स नोड था वहाँ पे 1.5 पुट कर देना है, ये देखें एक्स नोड की जगह 1.5 पुट किया और इसे सॉल्व किया, तो ये वाला हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट ये वाली वैल्यू हमने इस फंक्शन में कोस ऑफ एक्स वन की जगह पर पुट कर देनी, फिर इस तरह से हमने सेकेंड का आंसर निकाल लेना सॉल्व करके, ये जो x2 की वैल्यू आ जानी है, फिर ये हमने x3 में पुट कर देनी, तो इस तरह से हमारे पास जो वैल्यूज होगी x3 की वो भी हम फाइंड कर लेंगे। सो दिस
इज़ द रिक्वायर्ड रूट करेक्ट अप टू 5 प्लेस ऑफ द डेसिमल, यानी हमारे पास जो रिक्वायर्ड रूट था वो हमारे पास 5 प्लेस तक चाहिए था और यहाँ पे हमारे पास जो है वो 6 प्लेस तक आ गया, तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड रूट है। तो ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व होगी। आई होप कि आपको तमाम स्टेप अच्छे से समझ आए। सबसे पहले हमने फंक्शन जो है उसे हमने रीराइट करना होता है, रीराइट करने के बाद हमने वहाँ से फाई की वैल्यू निकाल लेनी होती है। फिर नेक्स्ट हम इसमें इनिशियल गैस पुट करते हैं और इनिशियल गैस पुट करके अगर हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो वो हमारे पास लाई करते हैं, अदरवाइज वो हमारे पास लाई नहीं करते। अगर वो लाई करते हैं तो ही हम नेक्स्ट फाई ऑफ एक्स वन एक्स टू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर टू है फाइंड द रियर रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन के हमने रियर रूट फाइंड करनी, ये इक्वेशन है बाय मैथड ऑफ आइट्रेशन को यूज़ करते हुए। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे जो इनिशियल गैस लिया है वो 0 और 1 ले लिया है, जो हमने खुद से लिए हैं 0 एंड 1। अब हमने इस फंक्शन में पुट कर दिए 0 1। जब हमने इसमें ये पुट किए तो ये देखिए 0 पुट किया तो -1 आ गया जो लेस देन है 0 से, और यहाँ पे हमारे पास +1 आ गया, यानी हेंस रियल रूट ली बिटवीन 0 एंड 1। तो ये हमारे पास लाई करते हैं 0 और 1 के दरमियान। नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी यानी फाई ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हमने इसे एज इट इज़ राइट किया, यहाँ पे अपने फंक्शन को हमने इसे 0 के इक्वल रखा। हमारे पास ये -1 था इस साइड पे आके ये +1 हो गया। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आया तो ये हमारे पास x+1 आ गया, ठीक है। अब देखें ये यहाँ से हम इस x+1 को इस 1 से इधर आके डिवाइड कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब हमारे पास यहाँ पे स्केयर है, हमें तो जस्ट एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हम इस स्केयर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे अंडर रूट ले लेंगे। जैसे ही हमने अंडर रूट लिया तो स्केयर जजर कैंसिल, तो यहाँ पे एक्स आ गया 1 ओवर x+1 इज इक्वल टू 5 ऑफ x। तो ये हमारे पास 5 ऑफ x के इक्वल आ गया। नेक्स्ट हमने इसका डेरिवेटिव लेना है 5 ऑफ x का। अब देखिए ये हमारे पास वैल्यू है, अगर हमारे पास 5 ऑफ x इसके इक्वल हो और हमने इसका डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास इक्वल होगा d/dx अब देखिए हमारे पास था 1 ओवर x+1। जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास अंडर रूट की पावर होता है 1/2, तो ये हमारे पास हो जाएगा -1/2। तो ये हमारे पास x+1 आ गया। तो अब हमने इसकी पावर जो है वो है -1/2। जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हम पावर को स्टार्ट में लेके आते हैं और इसमें एक पावर को ऐड करते हैं। अब हमने इसकी डेरिवेटिव लिया तो -1/2 हमारे पास स्टार्ट में आ गया, ये हमारे पास स्टार्ट में आ गया। बाकी हमारे पास ये बचा इसकी पावर में, अगर हम 1 ऐड करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 1 2, और 2 में से हमारे पास 1 लेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/1 लेस करते हैं सॉरी यहाँ मैंने एडिशन कर दिया 1 लेस करने तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2 x+1 होल की पावर 3/2। तो ये हमारा पाई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो गया, ये इन्होंने यहाँ पे राइट किया हुआ है। यहाँ पे हम -3/2 को अगेन नीचे ले आए तो ये 3/2 हो गया। अब हमने नेक्स्ट क्या किया, जहाँ पे हमारे पास x था वहाँ पे हमने 0 पुट किया तो हमारे पास जो आंसर आया है वो 1/2 लेस देन 1 है, 1 से लेस आया है। और अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो ये हमारे पास 1/2 होल की पावर 5/2 लेस देन 1, ये भी हमारे पास लेस देन 1 आया। यानी हमने ये थ्योरम में पढ़ा था कि इसका जो हमारे पास डेरिवेटिव हो वो लेस देन 1 हो, यानी हमारे पास -1 और +1 के दरमियान ये इंटरवल लाई करता है। तो हमने जो रूट लेना है एक्स नोट वो हम लेंगे 0.65, ये हमने खुद से सपोज करना है। तो ये हमने लिया, इसमें हमने फाई ऑफ एक्स में पुट कर देना है। फाई ऑफ एक्स की हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पे 1 x0+1। अब जो यहाँ पे एक्स नोट था उसकी जगह 0.65 हमने यहाँ पे पुट किया और इसे सॉल्व किया तो 0.7784989 ये वैल्यू आ गई है। फिर नेक्स्ट हमने x2 फाइंड करना है, तो x2 फाइंड करने के लिए सेम जहाँ पे x नोट था वहाँ पे हमने x1 राइट करना है और इसकी जो वैल्यू आई है वो यहाँ पे पुट करनी और इसे सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी। सेम ऐसे ही यहाँ पे हमने x2 लेना है और इसे सॉल्व करना है, तो x3 x4 जहाँ तक आप इसके रूट फाइंड कर सकते हैं 6 7 8, तो हमने ये इसके रूट फाइंड कर लिए। हेयर द रूट इज़ 0.7584876,
तो ये हमारे पास इसका लास्ट रूट ये आ गया। इन दिस इक्वेशन द एक्यूरेसी अप टू 7 places, यानी ये हमारे पास 7 places तक है, यानी पॉइंट्स के पास हमारे पास 7 values है, तो हमें इसे इस तरह से राइट कर सकते हैं 10^-7। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, फाइंड द रियर रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन के हमने रियर रूट फाइंड करने हैं। कोस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x-1 करेक्ट टू 7 place ऑफ द डेसिमल, यानी पॉइंट के बाद हमारे पास 7 digit, तो हमने वहां तक सॉल्व करना है इसे। सबसे पहले हमने यहाँ पे इक्वेशन राइट की, सब ये हमने इक्वेशन राइट की वाली। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, इक्वेशन में हमने 0 पुट किया, तो हम यहाँ पे इसे 0 पुट करके सॉल्व करेंगे। तो हमने इसे जैसे ही सॉल्व किया तो ये हमारे पास, फिर हमने यहाँ पे 0 और π/2 ले लिया इंटरवल। कोस 0 होता है वो 1 के इक्वल होता है, और 3 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 2 आएगा, 1 नहीं आएगा, 2 greater than 0। फिर हमने π/2 पुट किया, तो π/2 cos π/2 होता है वो होता है 0 के इक्वल। यहाँ पे हम पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं, 3π/14, उसे मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो नेगेटिव होगा और लेस देन 0 से होगा, यानी ये जो आंसर है दोनों के, एक पॉजिटिव आंसर है और एक नेगेटिव है, यानी हमारे जो रूट हैं वो लाई करते हैं इसके दरमियान। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने फाई को फाइंड कर लेना, फाई ऑफ एक्स किस तरह से फाइंड करेंगे, कोस एक्स प्लस 1 इस साइड पे रहा, 3 उस साइड पे चला जाएगा, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, 3 से हमने इसे डिवाइड कर देना है, तो ये हमारे पास फाई ऑफ एक्स आ गया। अब हमने इसका डेरिवेटिव लिया, तो जैसे ही हमने इसका डेरिवेटिव लिया, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस बाहर आ गया, 1/3, 1 का डेरिवेटिव होता है, तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया -1/3 साइन ऑफ एक्स, इट इज़ क्लियरली लेस देन 1, यानी अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करें इसको तो ये हमारे पास लेस देन 1 होगा, क्योंकि ये एक बाउंडेड फंक्शन है और इसकी जो वैल्यूज़ है वो लाई करती है -1 से +1 के दरमियान। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं जो हमारे पास एक्स नोड है वो 0.5 है, जो कि हमारे पास इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन है, तो हमने सबसे पहले फाई की वैल्यू में वो पुट करना है 0.5। एक्स वन इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स नोट, और जहाँ पे हमारे पास एक्स था वहाँ पे हमने 0.5 पुट किया और इसे सॉल्व किया, तो हमारे पास जो वैल्यूज आई है वो 6.256806 08 ये आ गई है। फिर हमने इस वाली वैल्यू को अगेन यहाँ पे 0.5 पुट किया था वहाँ पे पुट करना है, तो ये हमारे पास x2 की वैल्यू हो जाती है। x2 की वैल्यू को जब हमें x3 में पुट करेंगे तो हमारे पास x4 की वैल्यू आ जाती है। इस तरह सो ऑन आपने ये फाइंड कर लेनी। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड ऑल द स्टेप्स ऑफ दिस मेथड। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो अबाउट मेथड ऑफ आइट्रेशन, आप विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।